खबर बैराड़ थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम बीलबरा से है, जहां पर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति का कुएं में शव तैरता मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। आज मृतक राय सिंह धानुक उम्र 50 वर्ष के परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले 28 जुलाई को मृतक राय सिंह धानुक अचानक ही गुम हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने मृतक राय सिंह की गांव सहित आसपास के गांवों में भी तलाश की, लेकिन मृतक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। जिसके बाद शाम करीब 5 बजे ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को और पुलिस को सूचना दी कि ग्राम माता का बीलबरा और ग्राम खरई की सीमा के बीच स्थित एक कुएं में एक व्यक्ति की लाश तैरती हुई मिली है, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर उसकी पहचान पता की और बताया कि ये व्यक्ति मृतक राय सिंह धानुक है, जो कि 3 दिन पहले कहीं गुम हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बैराड़ थाना पहुंचकर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मामले में पुलिस द्वारा अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मृतक की मृत्यु के कारणों का पता चल सकेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? माता के बीलबरे। हाँ, तो ये खत्म हुए, ये कौन है आपको? हमारे ताऊ। कैसे क्या खत्म हुए, आपको जानकारी है? बावल देव दो वो 28 तारीख से पराली पहले रहे थे, इसको आज हमारे ने मिला है। तो सूचना कैसे मिली आपको? राय सिंह। राय सिंह, तो कब की घटना है ये? 28 तारीख की। 28 तारीख की, तो उस दिन से कहाँ थे आप लोगों को कुछ पता है? नहीं साहब, घूम रहे, दिमाग खराब था उसका। अच्छा, पागल था, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त है। तो इनकी सूचना कैसे मिली आपको? यही मिली, हमारे बच्चे गए गोपालपुर नौ प्लांट पर देखे मिले दोहिया में, चार तरफ में गए थे, गांव वाले चढ़ा रहे तो खरई के मौजे में मरा गाँव में करके माता के दीद वाले का रहने वाला। अच्छा, तो थाने में सूचना दी आपने? सर थाने में भी हमारे नहीं और पुलिस नहीं निकलवाया है। अच्छा, तो आप पीएम के लिए आए हैं?